हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दाल ढोकली की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ये हमने तूर दाल लिया हुआ है, यानी अरहर की दाल, एक कटोरी से थोड़ा सा कम। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे और फिर इसे प्रेशर कुकर में डालकर इसे पकाएंगे, कुक करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे दाल के हिसाब से, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। जब तक हमारा दाल पकता है तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। आटा ले लेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, तेल डालेंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स कर देंगे। और फिर इसका टाइट डो लगाएंगे, बिल्कुल टाइट आटा हमको गूंदना है। यहाँ पे ध्यान रहे आटा गीला नहीं होना चाहिए, आटा अगर गीला हो जाएगा तो ढोकली अच्छी नहीं बनेगी। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है, बिल्कुल टाइट, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ढोकली बनाना शुरू करेंगे। एक बड़ी बड़ी लोई ले लेंगे और इसको रोटी के आकार में बेल देंगे इस तरह से। अब एक ढक्कन लीजिए और या फिर ग्लास ले लीजिए, अगर छोटी बनानी हो तो छोटी सी ढक्कन लीजिए और उसे कट कर दीजिए। अगर बड़ी बनानी हो तो आप ग्लास से भी कट कर सकते हैं। साइड का आटा हटा देंगे। और एक पूरी उठाएंगे और इस तरह से ढोकली तैयार करेंगे। तो इसी तरह हम सारी ढोकली पहले बना लेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं इसका, बट आपका आटा गीला नहीं होना चाहिए। आटा गीला होगा तो ये ढोकली अच्छे से नहीं बनेगी, दाल के अंदर जाएगी तो खराब हो जाएगी। तो पहले हम सारी बना लेते हैं, फिर इसको दाल के अंदर पकाएंगे। तो ये हमने सारी ढोकली बना ली है। अब चलते हैं हम दाल को देख लेते हैं, दाल हमारा पका है कि नहीं। गैस हमने बंद कर दिया था, दाल हमारा पक चुका है। इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं और फिर इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये हमारी दाल उबल चुकी है। अब इसमें ढोकली मिला देंगे हम, सारी ढोकली मिला देंगे। जब तक ये ढोकली दाल के नीचे रहेगी तब तक ये पकी नहीं है। इसे आराम से एक बार चला लीजिए सभी डालने के बाद। जब ये दाल के ऊपर आ जाएगी तो पक चुकी है। ये देखिए हमारी ढोकली पककर तैयार हो चुकी है। हाथों से इसे चेक कीजिए और उतार लीजिए। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। पैन रखेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, कटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको भून लेंगे खुशबू आने तक। ऐसा भूनने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। हल्का हल्का भून लेंगे प्याज को हम सॉफ्ट होने तक। ये हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और कटी हुई टमाटर और फिर सभी को हम भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो ये हमने सभी मसाले भून लिए। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता और फिर हम इसको भून लेंगे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए। तो अब हमारे मसाले भून चुके हैं अच्छे से। अब इसे हम ढोकली में मिला देंगे, तड़का लगा देंगे। सभी मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी दाल ढोकली बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।